अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब आ जाओ, कहाँ पहुंच गए थे हम लोग। अब लिखो, नीचे लिखो ट्रांसफॉर्म, ऊपर लिखो, ऊपर लिखो ट्रांसफॉर्म, लाइन नंबर 18 के नीचे, 18 नीचे सर नहीं, नहीं फॉन्ट साइज 16 के थोड़ी नीचे बड़ा करो, करा फॉन्ट दो। साइज थोड़ा बड़े बड़े कर दो उसके। ट्रांसलेट के अंदर सब लोग 0.0 लगा दें। अब नीचे आ जाओ, अब इसको बंद कर दो, ट्रांसफॉर्म को लिखा हुआ है होवर में ये। अब यहां पे लिखो ट्रांसलेट, लिखो तो 50 पिक्सल कॉमा 50 पिक्सल, सेव करो, चेक करो, माउस लेके जाओ। देखो दिख रहा है आप लोगों को, माउस ले जाने पर ऊपर से नीचे आ रहा है सब लोग। माउस ले जाने पे ट्रांसलेट के अंदर, अब अगर 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 मैं सिंपल हूँ, चलो कोड में आओ, अब जहां पर मैंने 0 लिखा है ना, ऊपर 0, ऊपर 0 लिखा है, 0 डाल दो, 1 0 रहने दो बस, कीजिए बस बस। और नीचे से डाल दो 50, 1 0 रख दो, और नीचे से भी हटा दो 0 50 हटा दो। अब चला के देखो, रिफ्रेश करो, देखो क्या चल रहा है, दिख रहा है सबको, लेफ्ट राइट चल रहा है, माउस लेकर देखो उनको, देखो चल रहा है लेफ्ट राइट। और एक और लगा दोगे तो लेफ्ट राइट भी चलेगा और बॉटम टॉप से बॉटम भी चलता है वो। अब वो 0 लगा देने को, सेव करो, देखो ठीक है, नोट करो उसको, ट्रांसलेट को। सर कोड दिखा, नोट कर लो, इमेज थोड़ी बड़ी कर दो और छोटी कर रखी इमेज। चलो बस ठीक है, स्टाइल के लिखो एट द रेट की फ्रेम, एट द रेट की फ्रेम। अब देखो जूम वाला काम आप खुद से कर सकते, जूम वाला सिखा दिया, इमेज को जूम कैसे करना होता है, ठीक है। की फ्रेम में लिखो 0%, 0% एंटर। अरे अंदर नीचे आओ ना, करली ब्रैकेट के अंदर, अभी तो सीखे थे, इतना स्पेस क्यों दे दिया करली ब्रैकेट के बाद की फ्रेम्स में। लिखो एट द रेट, लिखो 0%, 0% लिखो, करली ब्रैकेट लगा दो, देखो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कोलन ट्रांसलेट, ट्रांसलेट सिखाया था, ट्रांसलेट वही लिखो, ट्रांसलेट फंक्शन का साइन लगाओ, 10 पिक्सल कर दो, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, देखो 100%, अरे उसी के नीचे लाइन नंबर 13 के नीचे,
100% करली ब्रैकेट्स लगा दो और लिखो ट्रांसफॉर्म कोलन ट्रांसलेट ट्रांसलेट फंक्शन का साइन माइनस के 10 पिक्सल और की फ्रेम का नाम दे दो अप डाउन, की फ्रेम का नाम दे दो, स्पेस का नाम दे दो अप डाउन, ठीक है कुछ भी नाम सकते हैं। अब स्टाइल के ऊपर चलो, लाइन नंबर 9 के नीचे, लाइन नंबर 9 के नीचे आ जाओ। चलो देखो देखो डॉट ऐसे को आई एम जी कर्ली ब्रैकेट लगाओ, अब इसमें लिखो एनिमेशन जिला लिख दो, पेस्ट कर दो, डबल डबल पेस्ट क्यों कर दिया, डबल डबल हो गया पीछे से भी हो गया। चलो और जो लिखा है ना आपने अप डाउन, इसमें स्पेस डाल दो माइनस वाला साइन, माइनस वाला साइन डाल दो अप डाउन ऊपर और नीचे आओ, नीचे क्लास कॉल कर दो आईएमजी की, इमेज के अंदर क्लास कॉल कर दो, क्लास बस सेव करो। अब चेक करो क्या हो रहा है, देखो दिख रहा है अपने आप चल रहा है, अपने आप हो रहा है, सबको दिख रहा है इमेज अपने मूव करते हुए, देखते हैं ना वेबसाइट में से होता है मूव मूव के नाम इमेज लगी होती है अपने आप मूव कर रही होती है। पीएन इंफोसिस की वेबसाइट खोलना, ये बगल में खोल लो उसी पे, ये तीन जो क्लास है ना ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म एनिमेशन की फ्रेम्स, इनकी मदद से आप कोई भी एनिमेशन लगा सकते हो। अब देखो जी इमेज दिख रही है हिलते हुए नीचे, देखो एक दिख रहे हैं और नीचे आओ और नीचे आओ और नीचे आओ, इतना नीचे नहीं, इतना नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर ही चलो, ऊपर ही चलो, ऊपर 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 ही चलो, और बस बस वाली वाली इमेज इमेज वाली देखो, बस इमेज बस 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 छोड़ दो, बस रुको दिख रहा है ऐसे तो आपकी मूव कर रही है जी सर, देख सकते हो इमेज को जूम करना है, जूम करना सिखाई दिया, स्केल का यूज करते हैं, इमेज मूव कैसे कर रही है आप देखो अपने आप, देखो ऐसे अपनी कर रही, अपने वाले पे आओ, अपने वाले पे आ जाओ, आपके लेफ्ट राइट चल रही है, देखो ऊपर नीचे चला, ऊपर नीचे चला सकते हो आप लोग है ना, नोट करो